इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पत्रकारों की फैमिलीज का उनके परिवारों के दर्द पर मरहम लगा रही हैं जिन्होंने कोरोना से जंग में अपनी जान गंवा दी। वो पत्रकार जो कोरोना महामारी के बीच जनता को खबर देने के लिए मुश्किल चुनौतियों में काम करते रहे और कोरोना की चपेट में आए और फिर अपने पीछे छोड़ गए पूरे के पूरे परिवार को, कई सपने और कई जिम्मेदारियां। उन पत्रकारों के परिवारों की मदद के लिए योगी सरकार ने अपना हाथ बढ़ाया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये तस्वीर आप इस कार्यक्रम की देख रहे हैं। परिवारों का हौसला बढ़े, उन्हें आर्थिक तौर पर मदद मिले, इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। कोरोना जैसी भीषण महामारी में भी पत्रकार लगातार काम करते रहे, चुनौतियों का सामना करते रहे। कोरोना के इस भीषण संकट के बीच भी अपने काम को उन्होंने प्राथमिकता दी। वो तमाम लोग वो पत्रकार कोरोना की चपेट में आए और अपनी जान उन्होंने गंवा दी, उनके नाम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुशीला देवी बस्ती से आती हैं, मुरादाबाद से उषा अग्रवाल, अरुण पांडे कानपुर के रहने वाले हैं, राम नरेश तिवारी औरैया से, सलाउद्दीन शेख लखनऊ से, अयोध्या के सिन्हा जिन्होंने कोरोना के इस भीषण संक्रमण काल में अपने काम को प्राथमिकता दी, कोरोना की चपेट में आए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके परिवारों को एक संबल, एक आर्थिक मदद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से। राकेश चतुर्वेदी वाराणसी के रहने वाले थे, कासगंज के मुन्नालाल, अंकित श्रीवास्तव इनका नाम भी शामिल है, कैलाशनाथ जौनपुर के रहने वाले, लखनऊ के अमरेंद्र सिंह, मधुसूदन त्रिपाठी लखनऊ के रहने वाले थे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।